जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता निकालना। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये परमाणु होता है, इसके परमाणु के नाभिक में ये क्या है, हमारा नाभिक है, क्या है नाभिक, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इन कक्षक जो सभी दिख रहे हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, के एल एम एन। ओके दोस्तों, इनको बोलते हैं कोश। क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं इनको। और प्रत्येक कोश के कुछ कक्षक होते हैं, प्रत्येक कोश के कुछ कक्षक होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, के का एस होता है, एल का एस पी होता है, एम का एस पी डी और एन का एस पी डी एफ। क्या होते हैं ये? कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये कक्षक होते हैं, तो एस वाले कक्षक में, के एस कक्षक में दो बच्चे यानी दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। क्या बैठते हैं? दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, क्योंकि परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, ठीक है दोस्तों। और एस के बाद पी आता है, इसमें छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एस के बाद पी, पी के बाद आता है डी। क्या आता है? डी। और डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि के कोश को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं के कोश, के एल एम एन ओ पी, ऐसे ही और होते हैं, ठीक है दोस्तों। के कोष के एस कक्षक है, यानी कि कमरा है एक तरह का, कोई एस एस, इसमें दो बच्चे बैठते हैं। कितने बच्चे बैठते हैं? दो। और बच्चे किसको बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनों को बोल रहा हूं। किसको बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनों को बच्चे बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? बच्चे। कि भाई दो बच्चे हैं हमारे पास, भी किसमें बैठेंगे? एस में। और पी में कितने बच्चे बैठते हैं हमारे? छह। डी में 10, इसमें 14, किसमें? एफ में। इसी प्रकार मैं तुमसे पूछूं कि के कोष के एस कक्षक में कितने बच्चे बैठेंगे, तो आपको बताना है दो। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एल कोष के एस पी कक्षक में कितने बच्चे बैठेंगे टोटल, तो देखिए दोस्तों, एस में तो बैठते हैं दो और पी में बैठते हैं छह, तो टोटल कितना हो गए? आठ। कितना हो गए? आठ। जैसे कि इधर देख लीजिए कि एस बराबर के बराबर एस बराबर दो और एल बराबर एस पी इज इक्वल टू आठ। इसी प्रकार एम, एम बराबर एस पी डी इज इक्वल टू 18, क्योंकि डी में कितने बैठते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, यानी कि 10 बच्चे बैठते हैं। इसी प्रकार एस पी में तो कितने हो गए? 8 और 10 18 इसके है गए, इसके डी के, तो टोटल हो गए 18। इसी प्रकार एन में देखिए दोस्तों, एन में कितने बैठेंगे? एस पी डी एफ, और एफ में कितने बैठते हैं? 14 बैठते हैं। 18 में 14 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 32। कितने होंगे? 32। ये आपको समझना है। क्या ये आपको समझ में आ गया? तो आप प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संयोजकता निकाल सकते हैं कि के कोष के एस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। कितने? दो इलेक्ट्रॉन, या इनको बच्चे बोल लो। क्या बोल लो? कि दो बच्चे बोल बैठते हैं। किसमें? के कोष के एस कक्षक में दो बच्चे बैठेंगे। इसी प्रकार एल कोष के एस पी कक्षक में टोटल 8 बैठते हैं, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आती हैं, एस में 2 आते हैं, डी में 10 और एफ में 14 आते हैं। एल कोष में कितने आ गए? 8। एम में कितने आएंगे? एस पी डी। टोटल हो जाते हैं 18, क्योंकि डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए एन में, एन में एस पी डी एफ, इसमें 4 कक्षक होते हैं। क्या होते हैं?
चार कच्छप, यानी कोष के एक कमरे में, बोलते हैं ना कि एक हवेली में कितने कमरे हैं, कि एक मकान में कितने कमरे हैं, तो के वाले मकान में तो एक ही कमरा है, कितना कमरा है, एक ही, किस नंबर का, एस नंबर का। और एल वाले मकान में कितने कमरे हैं हमारे, दो कमरे हैं, कौन कौन से नाम के, एस नाम के और पी नाम के। एम वाले में तीन है, एस पी डी, और एन वाले में चार है, एस पी डी एफ। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एल कोष में कितने कच्छप होते हैं, एल कोष में कितने कच्छप होते हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा दो, एस कच्छप और पी कच्छप। इसी प्रकार एम से पूछ ले तो आप बताएंगे एस पी डी, यानी कि तीन कच्छप, इसमें दो कच्छप, इसमें एक कच्छप, इसमें चार कच्छप। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी थ्योरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इन्हीं के आधार पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाता हूं, एक से तीस तक के, एक से तीस तक के आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप एक से तीस तक के तत्व आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, पंद्रह का, कितने का, पंद्रह का। अगर पंद्रह बारे परमाणु क्रमांक है, ये क्या है, पंद्रह बार हमारा परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक पंद्रह, और पंद्रह पे आता है हमारा फास्फोरस, क्या आता है, फास्फोरस पीएच। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस आता है, परमाणु क्रमांक पंद्रह है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालेंगे, इतना देखिए, कोष नंबर हमारा वन है, कोष नंबर हमारा टू है, कोष नंबर हमारा थ्री है, कोष नंबर हमारा चार है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं के नंबर, यानी कि एक नंबर कोष से, तो एक नंबर कोष आता है तो के की जगह लिखते हैं वन, क्या लिखते हैं, वन। और के में कितना कच्छक है हमारा, एस कच्छक है, एस नाम का कच्छक आ गया। ठीक है दोस्तों, और भी देखिए दोस्तों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, आपके बैठ सकते हैं दो, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पंद्रह इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, पंद्रह इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए दोस्तों, वन एच टू क्या हो गया, वन एच टू हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा के नंबर का कच्छक का एस भी पूरा हो गया और के भी पूरा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, पूर्ण हो गया, क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं कितना, तेरह, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तेरह इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, जब हमारा एक कमरा भर गया तो हम क्या करते हैं, तो और बच्चों को या और रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हमारा के कच्छक भर गया, यानी के कोष भर गया, एस कच्छक भर गया, तो क्या करेंगे, अब जाएंगे हम एल वारी में, कौन से में जाएंगे, एल में। तो एल में देखिए दोस्तों, कितने कमरे हैं हमारे, दो कमरे हैं, एस नंबर का कमरा है और पी नंबर का कमरा है। तो पहले एस वाले में जाते हैं, तो दूसरे नंबर का कमरा आ गया, देखो दोस्तों एल को बोलते हैं टू, तो टू और एस कितने बैठते हैं, दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, तो आपको लगा देना है दो, क्या लगा देना है, दो। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर के कमरा का एस कच्छक पूर्ण हो गया, क्या हो गया, एस कच्छक पूर्ण हो गया, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। परंतु दो नंबर के कमरा यानी कि एल में पी कच्छक भी और है, क्या है, पी कच्छक, जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठते हैं छ, कितने बैठते हैं छह। तो टू नंबर के कमरे के टू पी आ गया, क्या आ गया, टू पी, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठते हैं छह, तो सीधे सीधे इसमें बैठा दो छह इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, दो चार और दस हो गए, कितने हो गए, दस इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर भी हमारे पास कितने बच रहे हैं, पांच इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा पूर्ण हो गया, क्या हो गया, ये हमारा दूसरा कक्षक भी पूर्ण हो गया है, क्या हो गया, पूर्ण। अब नंबर तीसरा देखिए, नंबर तीसरा कौन सा है, एम वाला है, कौन सा है, एम वाला। फिर वही तरीका देखिए दोस्तों कि एम लिख लिया हमने यहां पर, ठीक है दोस्तों, यानी कि एम कच्छक का, तो क्या करते हैं, इसका लेते हैं थ्री वन, यानी थ्री एस, क्या लेते हैं, थ्री एस लेते हैं, और एस में बैठते हैं दो, कितने, दो, क्या लेते हैं, दो, थ्री एस टू। अब कितने हो गए, दो चार दस दो बारह, तीन बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, तीन बच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, थ्री पी और थ्री, क्योंकि कितने बच रहे हैं,
तीन बज रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि एसपी कच्छप में टोटल कितने होते हैं, आठ होते हैं। कितने होते हैं? आठ। तो देखिए दोस्तों लास्ट के एसपी, क्योंकि ये दो तो पूर्ण हो गए हमारे, क्या हो गए? पूर्ण हो गए। परंतु ये हमारे क्या है? अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है, यानी कि इनके कच्छप बड़े नहीं है। क्या नहीं है? इनके कच्छप भरे हुए नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें और बच्चे लेंगे या किसी को दे देंगे कि हमारे ये कच्छप पूर्ण रहे। और एक बात देखिए दोस्तों, के नंबर के हमारे एम नंबर के कच्छक में, एम नंबर के कोश में एसपी कच्छक है हमारे, ठीक है दोस्तों। टोटल बच्चे हो रहे हैं इसमें पांच। कितने? पांच चाहिए। कितने? आठ चाहिए। कितने चाहिए? आठ चाहिए, क्योंकि दो इसके तो पूर्ण हैं, परंतु पी में छह आते हैं। कितने आते हैं? छह। तीन की कमी पड़ रही है। किन की कमी पड़ रही है? तीन की कमी पड़ रही है। तो क्या करेंगे, हम तीन जोड़ लेते हैं इसमें। क्या करते हैं? तीन जोड़ लेते हैं। अब तुम ये पूछेंगे कि हमने तीन जोड़ा ही क्यों है, तीन घटा भी तो सकते हैं। तो ध्यान रखना, दो इसमें है और तीन इसमें है, तो इनको जोड़ के पांच हो रहे हैं। अगर हम पांच इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी जाएगी हमारी। भाई पांच आदमी इनको भगाना और तीन आदमी इनको भगाना कौन सा आसान होता है? तीन आदमी इनको बुला लेते हैं पांच को भगाने की बजाय। तो हमने क्या बुलाया? तीन बुला लिया। टोटल हो गए हमारे आठ। कितने हो गए? आठ हो गए। तो ये कच्छप हमारा पूर्ण हो गया। क्या हो गया? पूर्ण, क्योंकि यहां बुला लेते हैं हम तीन को, ठीक है दोस्तों। ये तीन हमने जोड़ लिया। क्या कर लिया? तीन जोड़ लिया, आठ कच्छप हो गए। तो ये फिर हमारा क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्या हो गया? पूर्ण कच्छप हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लेकर गया कि वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू और थ्री पी थ्री। ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा? इस पंद्रह वाले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ओके दोस्तों, अब क्या देखते हैं, संयोजकता कितनी है। अब जितने हम इसमें इतने आदमी बुलाते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं, उतने ही उसकी संयोजकता होती है। क्या होती है? उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। तो हमने इसमें कितने बुलाए थे? इसमें तीन बुलाए थे। कितने बुलाए थे? तीन बुलाए थे, परंतु बुला लिए, यानी कि हमारे तीन की कमी पड़ रही थी इसमें, तीन बुलाए। तो ये क्या हो गई हमारी? माइनस थ्री संयोजकता। कितनी हो गई? माइनस थ्री संयोजकता। ओके दोस्तों, कितनी? माइनस थ्री, माइनस की थ्री संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया हमने, संयोजकता निकाल ली माइनस की थ्री। इसी प्रकार मैं आपको दिखाता हूं, एक 20 नंबर में आता है कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम आता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं देखिए दोस्तों, कि क्या करते हैं। सबसे पहले वन नंबर का के नंबर के में आते हैं, इसमें ऐसी कच्छक है, इसमें दो बच्चे बैठा दिए, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन बैठा दिए। अब इसी प्रकार दूसरा देखिए, टू एस टू, टू पी सिक्स, कितने हो गए? दो चार दस, यानी कि दो दूनी चार, चार में छह जोड़े तो दस हो गए। कितने तक हो गए? दस। ये कच्छक पूर्ण हो गए हमारे दोनों की दोनों। अब तीसरा आता है थ्री एस टू और थ्री पी सिक्स में छह, कितने हो गए? अठारह हो गए। कितने हो गए? अठारह हो गए। ये देखिए दोस्तों, ये एस कच्छक है, परंतु तीसरे में कितने आते हैं हमारे? एस पी डी। तो थ्री डी, कितने हो गए? दो चार दस, दो बारह, दो अठारह, दो आंसर, ठीक है दोस्तों, दो। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है? डी कच्छप को पूरा करने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है? आठ, क्योंकि डी में कितने होते हैं? दस होते हैं। कितने होते हैं? दस।
अब यहाँ क्या करेंगे, आठ जोड़ेंगे। भाई आठ अंड की कमी बोल रही है, आठ अंड बुला जैसे बढ़िया, दो इसमें है तो दो हम क्या कर देंगे, त्याग देंगे कि भाई आप दोनों अपना ठिकाना देख लीजिए। तो क्या कर दिया, इन दोनों को उठा दिया, इस वाले दो को उठा दिया। उठाने का मतलब जाओ भैया पीछे हम जोड़ लेंगे तुमने, तो यानी कि अधिकता आई कितने की, दो की। तो कितनी संयोजकता आ गई हमारी, दो संयोजकता आ गई, संयोजकता आ गई हमारी प्लस की दो। कितनी, प्लस की दो, किसकी, कैल्शियम की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार मैंने आपको बीसवा और पंद्रवा दिखा दिया लगा के, अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाए हैं लगा कर, अब मैं आपको डायरेक्ट लगा के दिखाता हूं कि क्योंकि मैंने इसके जरिए सिखाया कि इसमें ये हो गए, इसमें ये हो गए। अब हमको ये माइंड में याद रखना है कि एस में दो कक्षा को दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, के कोश में दो, एल में आठ, एन में एम में 18, एन में 32। ओके दोस्तों, अब मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे दिखाता हूं मैं 1 से 30 तक के लगातार लगा कर। नंबर एक पे आता है हाइड्रोजन, क्या आता है हाइड्रोजन, क्या आता है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक एक होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए परमाणु क्रमांक एक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो वन एस वन, क्या आ गया वन एस वन, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। परंतु इसकी संयोजकता निकालते हैं, संयोजकता देखिए दोस्तों, संयोजकता निकालते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो भरे जाते हैं, कह तो इसमें एक जोड़ दो, कह तो इसमें एक जोड़ दो और कह इसमें एक घटा दो, तो इसकी संयोजकता हो जाती है प्लस माइनस वन। कितनी हो जाती है प्लस माइनस वन, कितनी हो गई भाई संयोजकता प्लस माइनस वन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर दो की निकालते हैं, दो पे आता है हीलियम, क्या आता है हीलियम, हीलियम इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने दो इलेक्ट्रॉन है, विन्यास निकालना है इसका, तो वन एस टू। देखिए दोस्तों इसकी संयोजकता कितनी होगी, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल लिया, वन कक्षक यानी के वाला, वन एस टू यानी कि ये पूर्ण कक्षक है, क्या है हमारा पूर्ण कक्षक है, पूर्ण कक्षक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ना तो ये जोड़ेगा और ना ही इसमें से कोई त्यागेगा, ना तो ये बुला सकता है और ना किसी को भेज सकता है, तो ऐसे में इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता होगी हमारी में देखिए जीरो। कितनी जीरो, जब ये ना तो लेगा और ना ही देगा तो कितनी संयोजकता हो जाती है जीरो हो जाती है, कितनी हो जाती है जीरो। एक का निकाल दिया, दो का निकाल दिया, अब निकालते हैं हम तीन का, किसने का तीन का। देखिए नंबर तीन लिथियम, लिथियम का तीन है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए दोस्तों, वन एस टू, टू एस वन। ओके दोस्तों कितनी हो गई, टू एस टू, वन एस टू, टू एस वन। किसने की कमी है, एक की कमी है, यानी कि एक जोड़ लेगा, ये क्या कर लेगा एक जोड़ लेगा, यानी माइनस वन की कमी है, तो ये क्या है हमारी संयोजकता है, क्या है हमारी संयोजकता। तो संयोजकता कितनी हो गई हमारी हीलियम की, लिथियम की, सॉरी लिथियम की माइनस के वन, कितनी हो गई माइनस के वन, क्योंकि इसमें एक की कमी है, क्या करेंगे एक की कमी है,
एक की कमी कर लो चाहे एक की त्याग दो उसमें से, तो कितनी है गई इसकी भी प्लस माइनस वन, यानी एक त्याग सकती है और एक ग्रहण कर सकती है। ओके दोस्तों, प्लस माइनस वन हो गई लिथियम की। इसी प्रकार देखिए चौथा नंबर बेरिलियम, चार होती है। ओके दोस्तों, वन एस टू, टू एस टू, पूर्ण है, क्या है पूर्ण है कच्छप हमारा, क्या है पूर्ण, ये वाला पूर्ण हो गया हमारा भद्दम पूर्ण है, परंतु ये क्या है अपूर्ण है, क्योंकि इसमें पी है, इसमें छह इलेक्ट्रॉन और भरे जा सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो क्या करते हैं दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्या कर देता है त्याग देता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी प्लस की टू, कितनी प्लस की टू, क्योंकि पी में कितने होते हैं सिक्स होते हैं, ये हमारे नहीं है, तो दो की कमी है, टोटल आठ होने चाहिए, कितने होने चाहिए आठ होने चाहिए, तभी हमारा कक्षक पूर्ण माना जाएगा, परंतु इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है किससे, इस वाले कक्षक में पूर्ण करने के लिए, तो क्या करता है दो की इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, दो इसने त्याग दिए, क्या कर दिए त्याग दिए, तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई दो आ गई, संयोजकता कितनी आ गई दो। इसी प्रकार आपकी संयोजकता निकालनी है पांच की, यानी कि बोरोन की, इसकी बोरोन की, तो देखिए दोस्तों पांच क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, वन एस टू, टू एस टू, टू पी, कितना आएगा वन आएगा, कितना आएगा वन आएगा, क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है केवल पांच ही इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण हो गया अपूर्ण अपूर्ण, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टोटल कितने आएंगे इसमें आठ आते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है हमारे इसमें तीन अधिक हैं, तो प्लस थ्री, कितनी प्लस थ्री संयोजकता हो गई किसकी बोरोन की। इसी प्रकार देखिए दोस्तों छह नंबर पे आता है हमारा कार्बन, क्या आता है कार्बन आता है छह नंबर पर, छह इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, कितने हो गए छह इलेक्ट्रॉन हो गए, वन एस टू, टू एस टू, टू पी टू। ओके दोस्तों ये हमारा पूर्ण हो गया पहले ही, ये कितने कमी है इसमें चार की कमी है, कितनी है चार की कमी है इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो माइनस के चार, और चार ही अधिक ज्यादा है, कितने चार ही अधिक ज्यादा है, तो कार्बन की संयोजकता होगी कितनी, संयोजकता कितनी होगी इसकी भाई, इसकी संयोजकता होगी प्लस माइनस के चार, कितनी होगी प्लस माइनस के चार, चार घटा लो चार बढ़ा लो कुछ भी कर लो, क्योंकि इसमें क्या कर दे चार इलेक्ट्रॉन की कमी है और चार इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये क्या हो गई हमारी इसकी संयोजकता हो गई। इसी प्रकार सेवन पर देखिए हमारा आता है नाइट्रोजन, क्या आता है नाइट्रोजन आता है, सात इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्या है इलेक्ट्रॉन, वन एस टू, टू एस टू, टू पी थ्री, कितना होगा टू पी थ्री। अब देखिए दोस्तों कमाल की चीज इसमें कि भाई अब कितने हो गए, ये हो गए पांच, यानी कि ये त्याग तो नहीं सकते हैं, यानी कि अब क्या नहीं कर सकते हैं, ये त्याग नहीं सकते हैं, अब तो केवल क्या करेंगे दोनों हाथों से ग्रहण करेंगे कि आने दो आने दो, तो भाई ये बोलेगा मेरे को तीन और दे दो, क्योंकि तभी हम कितने होंगे आठ होंगे, तो इसने कितने मांग लिए तीन मांग लिए, ध्यान रखना मांगना मतलब माइनस, देना मतलब प्लस, भाई किसी पर कमी है तो मांगेगा, किसी पर अधिकता है तभी तो ध्यान देगा, तो ध्यान रखना इस पे क्या है कमी, कितने की तीन की, तो क्या किया हमने तीन मांग लिए, संयोजकता कितनी हो गई इसकी भाई, इसकी संयोजकता हो गई माइनस के तीन। इसी प्रकार देखिए आठ पे आता है ऑक्सीजन, क्या आता है ऑक्सीजन, और आठ ही क्या हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए, तो देखिए वन एस टू, टू एस टू, और टू पी फोर, टू पी फोर,
दो दुनी चार, चार दुनी आठ, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। परंतु ये हमारा पूर्ण है, ये अपूर्ण है, क्योंकि इसमें आते हैं 6 टोटल। कितने आते हैं? 6। -2 की कमी है, कितनी कमी है? -2 की कमी है। तो -2 क्या हो गई? इसकी संयोजकता हो गई। क्या हो गई? संयोजकता हो गई। 8 तक हो गए। अब नमा देखिए, नमा नाम पे आता है आपका फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन यानी कि F, फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। तो देखिए दोस्तों, फिर इसी प्रकार देखिए कि यहां तक तो आप कर ही लेंगे, तो अगली बार और कर देता हूं। 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? नहीं सॉरी, 2p3, कितने हो रहा है? 7। 7 पे नहीं करना हमको, 9 पे करना है। 2, 3, 5 करने हैं। कितना करना है? 5 तक करना है, क्योंकि 2 2 4, 4 में 5 जोड़े तो 9, और 9 ही हमारा परमाणु क्रमांक है, यानी कि 9 क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कितने की कमी है? -1 की कमी है। तो यही हमारी क्या हो गई? संयोजकता हो गई भाई। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ईमान से बोल रहा हूं, आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको इस वीडियो को आप उस दोस्त की भी मदद कर सकते हैं जिसके भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आते हैं। ओके दोस्तों, अब निकालते हैं हम 10 का। कितना? 10 का। और 10 पे आता है नियोन। इसको उत्कर्ष गैस भी बोलते हैं। उत्कृष्ट क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो हम इसको दिखाते हैं कि Bn2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो Bn2, 2s2, 2p6, ये कक्षक भी पूर्ण हो गया, ये भी पूर्ण हो गया। तो क्या बोलेंगे भाई? ये पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, ना तो लेगा और ना ही किसी को देगा। तो क्या हो गया? इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 0 हो गई भाई। कितनी हो गई? 0। तो ध्यान रखना, किसी भी तत्व की अगर किसी भी तत्व के कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, उनको उत्कर्ष गैसें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। जैसे कि हमारी क्या है? हीलियम उत्कृष्ट गैस है, नियोन हमारी उत्कृष्ट गैस है। गैस गैस कितने हो गए? 10 हो गए। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आपको सिखाते हैं 11 से 20 तक के। और ग्यारह नंबर पे आता है हमारा सोडियम। क्या आता है? सोडियम आता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 11। तो देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 10 हो गए। तो 3s1 क्या आएगा? 3s1। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें p3p और होता है। क्या होता है? 3p, p में आते हैं 6, टोटल आते हैं 8। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस का 1 कि 1 अधिक है। क्या है? 1 अधिक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा ये। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये है। इसकी संयोजकता प्लस 1 है, क्योंकि इसमें क्या है? 1 की अधिकता है। अगर ये पूरा होता तो भी 2 अधिक की अधिकता होती, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 8 होते हैं, नहीं 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 sp(d) तक। कितनी? sp(d) तक 18 होते हैं टोटल, परंतु 3p(d) में होते हैं 8। कितने? 8 इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे? 3s1, तो प्लस की 1 संयोजकता हो गई इसकी। इसी प्रकार 12वां देखिए,
पारे पे आता है आपका मैग्नीशियम, क्या आता है मैग्नीशियम आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए हमारे, और 3s2 ये पूर्ण है, ये पूर्ण है क्योंकि इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, और इसके बाद और आते हैं 2, इसमें पी आता है, इसमें डी आता है, इसे बोलते हैं एम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे दोस्तों, इनको साफ कर दो क्योंकि इसमें कक्षक कूट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कहते हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो प्लस 2 आपसे पूछ ले कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, प्लस 2 है, सोडियम की कितनी है, माइनस के प्लस के 1 है, सोडियम की प्लस 1, मैग्नीशियम की प्लस 2 संयोजकता हो गई। फिर देखिए दोस्तों 13वां पे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 हो गए, तो देखिए दोस्तों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, ओके दोस्तों, फिर 3p1, क्योंकि 2 × 4, 4 × 6 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 1 = 13, ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो प्लस की 3 इसकी संयोजकता हो गई, प्लस के 3 इसकी क्या हो गई, संयोजकता हो गई। और फिर देखिए 14, इस पे बोलता है सिलिकॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 14, 1s2, 2s2, 2p6, कितना 2p6, और 3s2, 3p2, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 4 की अधिकता है, और 4 की ही कमी है, 4 की ही कमी है, क्यों, इसको पूर्ण करने में 4 हो गए, टोटल 8 होते हैं, तो प्लस माइनस की 4 किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है, कितनी प्लस माइनस 4 सिलिकॉन की संयोजकता होती है, कितनी प्लस माइनस 4, ओके दोस्तों, ये हमारे यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए दोस्तों 15वां, कितना 15वां, मैंने आपको करा दिया, एक बार और करा देता हूं, फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 15, 1s2, 2s2, 2p6, इतना तो पूरा समझ में आ गया होगा भाई, मैं आपको जब समझा रहा हूं, ये पहला कक्षक है s, इसमें भी पूर्ण हो गया, अब आएगा हमारा 3s2, 3p, कितने हो रहे हैं हमारे 15, 10 × 2 = 12 और 3 = 15, टोटल कितने हो गए, इसमें 5 की अधिकता हो गई, अब क्या करेंगे भाई, 5 हो गए, मैंने बोला था आपको कि 4 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 4 से कम हो तो घटा देंगे, तो देखिए दोस्तों 4 से ज्यादा हो गए यानी कि 5, तो इसमें क्या कर लेंगे, 3 और जोड़ लेते हैं, जोड़ने का मतलब माइनस, तो इसकी संयोजकता हो गई माइनस के 3, किसकी, फास्फोरस की। और फिर देखिए 16 पे आता है आपका सल्फर, और सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर देखिए दोस्तों इसमें 3 की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, कितना हो गए, 6 हो गए, 2 की कमी है, कितनी कमी है, 2 की कमी है, तो माइनस के 2 संयोजकता, कितनी माइनस के 2 संयोजकता किसकी हो गई, सल्फर की हो गई, माइनस के 2। फिर देखिए दोस्तों 17वां पर आता है क्लोरीन, क्या आता है हमारा, क्लोरीन आता है, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितने हो गए, 2, 4, 10, 12 और 17 होते हैं, तो 5 कितने हो गए, 17 होते हैं, 5, तो कितनी कमी है, 1 की कमी है, माइनस के 1, कितनी हो गई, माइनस के 1। फिर देखिए दोस्तों 18 पे आता है आर्गन, क्या आता है आर्गन, आर्गन को बोलते हैं AR, क्लोरीन को बोलते हैं CL,
तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, 18 हो गए। इसका ये पूर्ण हो गया, इसका ये पूर्ण हो गया, इसका ये पूर्ण हो गया, इसमें क्या हो गई, एक भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये इसका पूर्ण है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 0 हो गई। किसकी संयोजकता हो गई, 0। और मैंने बोला था जिसकी संयोजकता 0 आती है उसका क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी, उत्कृष्ट गैस हो गई। क्या हो गई, उत्कृष्ट गैस हो गई, किसकी, आर्गन की। इतना आप इसकी सोच लीजिए। उसके बाद मैं आपको 12 का और लगा के दिखाता हूं। पोटेशियम क्या आएगा, पोटेशियम क्या हो गए हमारे, 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18 हो गए। इसको मैं आर्गन भी तो बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, आर्गन, क्योंकि आर्गन का यही क्या है हमारा, आर्गन का ये ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर आएगा 3d1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक अधिक है किसकी, एक अधिक है d में, कितना है, एक अधिक है d में, तो प्लस 1। ओके दोस्तों, कितना, एक अधिक है d में, तो प्लस के 1। फिर देखिए दोस्तों कितनी हो गई, प्लस के 1। 20 की मैंने आपको बता ही दी थी कि इतना तो हो ही गया। मैं ऐसे लिख सकता हूं आर्गन 3d2, क्योंकि 18 तक यही होते हैं, क्या होते हैं, 18 तक यही होते हैं 3d देता है। ओके दोस्तों, ये शॉर्टकट है हमारा आर्गन 3d, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, प्लस की 2, कितनी हो गई, प्लस की 2। अब देखिए इसको मैं वैसे निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d2, तो यही भाई संयोजकता है ना हमारी, प्लस 2, कितनी, प्लस के 2। अब देखिए दोस्तों 21वीं, कैल्शियम प्लस के 2, स्कैंडियम Sc, क्या आता है, स्कैंडियम Sc, इसकी संयोजकता किस, क्या हो गए हमारे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, वो इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 तक तो होगी हमारे वहां तक, आर्गन तक कोई बात नहीं, मैं इसे देखता हूं, 1s2 2, 4, 10, 12, 18, 21, ठीक है दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, प्लस के 3। ओके दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं स्कैंडियम, इसकी संयोजकता हो गई प्लस की 3। अब देखिए दोस्तों 22 पर टाइटेनियम, टाइटेनियम Ti, 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4, कितनी, 3d4, तो इसकी कितनी संयोजकता हो गई, प्लस के 4, कितनी हो गई, प्लस की 4। d में कितने आते हैं, 10 आते हैं, तो ध्यान रखना प्लस के 4 हो गई, क्या हो गई, प्लस के 4। फिर देखिए दोस्तों नंबर 23, वैनेडियम Be 1s2 2s2 3p6 1s2 2s2 3p6 और 3 2p6 sorry 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 3d5 तो यानी कि 5 ज्यादा है और 5 ही कम है,
10 करने के लिए, तो क्या आएगा ये प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। ओके दोस्तों, अब देखिए नंबर 24वां, क्रोमीन Cr 24 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d कितने हो गए 18, और 6 कितने हो गए 6, तो इसकी कितनी हो गई संयोजकता, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 5 से अधिक हो गए, तो क्या करेंगे इसमें हम जोड़ेंगे, और 5 से कम हो गए तो घटाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने की कमी है 4 की, तो माइनस के 4 संयोजकता हो गई इसकी, क्या हो गई माइनस की 4 संयोजकता हो गई, क्रोमीन की माइनस की 4 संयोजकता। फिर देखिए 25 25 पे आता है मैग्नीज, क्या आता है आपका मैग्नीज, इसकी संयोजकता 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, यानी कि माइनस के 3 कम है, डी में कितने आते हैं 10 आते हैं, तो माइनस के 3, यानी कि 3 अंक की कमी है, तो माइनस की 3 संयोजकता किसकी हो गई मैग्नीज की, माइनस की 3। फिर देखिए आयरन 26वें पे, आयरन Fe 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, माइनस के 2 संयोजकता, माइनस के 2 संयोजकता, क्योंकि इसमें तो पूरा करने के लिए कितनी कमी है माइनस के 2 की कमी है, ठीक है दोस्तों, तो इसकी कितनी होगी माइनस की 2। और 27वें पे आता है आपका 27वें पे आता है कोबाल्ट, क्या आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के 27 के देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, माइनस की 1, एक की कमी है, तो कोबाल्ट की आ गई माइनस की 1। 28वें पे आता है आपका कॉपर, क्या आता है कॉपर, सॉरी निकेल, सॉरी कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, निकेल आता है निकेल Ni। ओके दोस्तों इसकी संयोजकता देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 18 और 2 28। ओके दोस्तों ये हमारा पूर्ण हो गया, इसकी संयोजकता 0 है, इसकी निकल गई 0। गब 29 देखिए कॉपर, कॉपर कितनी हो गई, कॉपर में आ गई 1s2, यानी प्लस 1 आएगी, इसकी आएगी इतना ही हो गया, यही संयोजकता कितना हो गई ये रास्ता हो गई, तो 4s1 एक ज्यादा है, तो क्या आ गई प्लस के 1। और जिंक यानी कि 29 में ही हो गया, 30 में ही हो गया जिंक पर, तो जिंक कितनी हो गई इतना ही हो गया, इसमें आएगा 2, इतना आएगा 2, इतना ही हो जाता है ना 4s1 और 4s2, तो 2 अधिकता है, तो प्लस की 2 कॉपर ही संयोजकता हो गई, इतनी हो गई प्लस की 2 कॉपर। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको 1 से 30 तक के आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता निकालना। आप अपने निजी दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख ले, ये आपके लिए 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास और BSc तक भी काम आएंगे इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने के लिए। ओके दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।